आता रामराजे निंबाळकर आंबेडकर बोलताय, थेट जाऊया. ड्राफ्ट आहे, तो ड्राफ्ट ह्याच्यातला असताना फायनल होईल. आता असताना इतर मुद्दे जे आहेत त्या इतर मुद्द्यांवरती असताना चर्चा कंटिन्यू राहणार आहे. मला फक्त जायचं असल्यामुळे मी असं ते बैठकीतून बाहेर चाललो. किती जागांचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे महाविकास आघाडी समोर? जे काही आमचं आत्ता ठरलेलं आहे ते म्हणजे या आघाडीचं इंडिया होऊ नये ही आम्ही मी दक्षता घ्यायचं असताना त्या ठिकाणी आम्ही ठरवलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे ताक जरी असलं तरी फुकून फुकून प्यायचं असं मी ठरवलेलं आहे. त्याच्यामुळे असणारं सीट शेअरिंग जे आहे हा आमचा नेक्स्ट फेजचा इश्यू राहणार आहे. फर्स्ट फेजचं जे आहे ते एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टँडिंग हा फेज पहिल्यांदा आम्ही घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे त्या फेजची असणारी अर्धवट चर्चा झाली, अर्धवट चर्चा सुरुवात होती. इंडिया आघाडी माझ्या दृष्टीने इंडिया आघाडी आता काही शिल्लक राहिलेली नाही. जे काही अखिलेश आणि काँग्रेस लास्ट पार्टनर्स राहिले होते माझ्या माहितीप्रमाणे दोघंही पार्ट झालेले आहेत. काँग्रेस वेगळी चालली आहे आणि एस पी सुद्धा वेगळी चालली आहे अशी माझी माहिती आहे. होऊ नये ही माझी इच्छा आहे, परंतु हकीकत अशी आहे की दोघं वेगळे चाललेत अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रात तसं होऊ नये हे आम्ही असताना पाहतो. ते पुढची बैठक मला वाटतं ही मीटिंग संपल्या ते डिसाईड करणार. आज जो है बैठक में पिछली बैठक जो हुई थी उसमें हम लोग ने कुछ इश्यूज दिए थे कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके साथ साथ अगर इकट्ठा आते तो कॉमन प्रोग्राम क्या होना चाहिए उस पर दिया था. आज सुबह से उस पर चर्चा हुई और इंटरनली दोपहर से अब ये फाइनल डिसीजन हुआ कि हर पार्टी जो है वो अपने जो पदाधिकारी है और कमिटी है उसके साथ में वो डिसाइड करेगी, डिस्कस करेगी इसमें और क्या एडिशन करना है वो भी मुद्दा होगा. और अगली बैठक में जो है ये कॉमन प्रोग्राम जो है हम लोग कितने एग्री करते हैं या हम किसमें डिसएग्री करते हैं उस पर चर्चा होगी. लेकिन एक बात ये तय हुआ कि अगर ख्यालत मिलते भी नहीं है कुछ इशू पर तो उस पर अलग अलग नहीं जाएंगे, ये एक डिसीजन हो गया है. राहुल जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया? राहुल जी उद्धव जी लगातार कह रहे हैं और सब कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूत है, तो हकीकत है उस सीटों पर बात भी कर ली. सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था. एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है लेकिन कांग्रेस उसे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट उतार मतलब नाम डिक्लेयर किए. हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में है, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाह रहे हैं. पहला मुद्दा जो है वो हम लोग कॉमन प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं. अगर किसी इशू पर हम लोग की राय अलग अलग है तो ये अलग अलग कितनी राय है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं. मैंने जैसे कहा कि हम लोग छाछ भी अगर पिएंगे तो मैं फूक फूक के पीने को सलाह सबको दे रहा हूँ. और ये एक मुद्दा ख़त्म होने के बाद सेकेंड फेज में जो है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आएगा. आप इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे क्या? आप सर इंडिया गठबंधन को अंतिम शामिल नहीं होंगे क्या? मैं तो महाराष्ट्र के हद तक ही हूँ, मैं तो उसके बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ. बीजेपी का ऑफर आया है क्या? अरे बीजेपी का ऑफर तो मुझे बहुत पहले से ही है, नया नहीं है.
सर एक आरोप लगा जानबूझ के आप देरी कर रहे हैं जबकि कांग्रेस शिवसेना एनसीपी मिलके जल्द से जल्द इसको एक खत्म करना चाहती सीट बंटवारे को और आपके से देरी। सवाल ऐसा है कि अगर उनको खत्म करना होता तो 2.5 साल में वो खत्म करते। अब ऐसा है कि हम कल ही मीटिंग में आए हैं तो आपके ये बुनियाद जो है कहीं ना कहीं तो भी किसी ने आपसे कहा है कि ये सवाल पूछे। संजय सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आ सकता है। देखिए अभी हम बाला साहब को यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं, बाला साहब जा रहे हैं कार्यक्रम, सब कुछ ठीक है। तर महाविकास आघाडीची बैठक संपन्न झाली आणि त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर माध्यमांशी संवाद साधत होते। तर अनेक विषयांवर अजून चर्चा बाकी आहे असं मोठं वक्तव्य प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेलं आहे। तर या आघाडीची इंडिया आघाडी होऊ नये याची दक्षता घ्यावी असं सुद्धा त्यांनी म्हटलंय आणि इंडिया आघाडी आता उरली नाही असं सुद्धा प्रकाश आंबेडकर म्हणाले आहेत।